हिंद और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध के डेरे। मोटरवे M3 समुंदरी से दरखाना और मोटरवे M4 शेरशाह से फैसलाबाद तक धुंध के बायस बंद कर दी गई है। M5 रोहड़ी बाईपास पर धुंध का बसेरा। हद निगाह इंतहाई कम होने पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। मोटरवे पुलिस की ड्राइवर्स को फॉग लाइट्स का इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत। आवाम को गैर जरूरी सफर से गुरेज का मशवरा। कहा इंतहाई जरूरत से तेज़ रफ्तारी से परहेज और अगली गाड़ी से मुनासिब फासला इख्तियार करें। लाहौर का फजाई मेयार आज भी मुझे सेहत। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में आज भी 5वें नंबर पर मौजूद। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन 2024 के लिए ना अहल करार। कैपिटल हिल हमले में मुलविस होने पर ट्रंप उम्मीदवार नहीं बन सकते। अमरीकी रियासत कोलोराडो की सुप्रीम कोर्ट ने 4-3 से फैसला सुनाया। अदालत ने इलेक्शन बेल्ट से ट्रंप का नाम हटवा दिया। ट्रंप का फैसले के खिलाफ अमरीकी अदालत से रुजू करने का ऐलान। तर्जमान डोनाल्ड ट्रंप ने फैसले को गैर जमहूरी करार दे दिया। ट्रंप 4 जनवरी तक अदालती फैसले के खिलाफ अपील का हक रखते हैं। गजा में आरजी जंगबंदी की कोशिशों को धचका। सलामती काउंसिल में करारदाद पर वोटिंग फिर मौखर। आज मुतवक्के है खबर एजेंसी के मुताबिक करारदाद के मुसवदे में आरजी जंगबंदी का मुतालिबा। मुजवजा करारदाद के मतन पर रुकन ममालिक में इख्तलाफात। मुजाकरात जारी। मुजाकरात का मकसद अमेरिका को वीटो से रोकना है। अमेरिका सलामती काउंसिल की पिछली करारदादों को वीटो करता रहा और सलामती काउंसिल में करारदाद पर वोटिंग कल भी मौखर की गई थी। इसराइली सफाकियत थम ना सके। सहूनी फौज के तैयारों और ताज़ा हमलों में मजीद 200 फलस्तीनी शहीद। अरमल में बमबारी से 102 फलस्तीनी जाँ बहक। रफा, खान यूनस, दीरुल बला और जबालिया कैंप पर हमले। 87 फलस्तीनियों की शहादत। शहदा की मजमू तादाद 19,666 तक पहुँच गई है। 7,729 बच्चे शामिल हैं। 53,000 जख्मी हैं। 8,000 से ज्यादा लापता हैं। गजा का अल अहली हॉस्पिटल में भी गैर फहाल और इसराइली फोर्सेज ने तिबी हमले और मरीजों को गिरफ्तार कर लिया। अलौदा हॉस्पिटल में भी 240 अफराद यरगमाल बना लिए गए हैं। गजा में जंग से 500 इसराइली फौजी नफसियाती मसाइल का शिकार हुए हैं, इसराइली अखबार का दावा। और मौजूदा इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात नहीं करा सकता। मुल्क भर की बार एसोसिएशन का तहफ्फुज़ात का इजहार। पाकिस्तान बार, सुप्रीम कोर्ट बार और सिंध बार ने इलामिये में कहा है कि वुकला तंजीमों ने तमाम सियासी जमातों को यकसा मौके फराहम करने पर जोर दिया है। इंतखाबी तरीक़ाकार, हल्काबंदियों और नशस्तों की तकसीम पर सवालात उठा दिए। इलामी में कहा गया है कि ये तासुर पड़ रहा है कि मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर शफाफ इंतखाबात नहीं करा सकते। सिंध बार ने कहा है कि इन हल्काबंदियों की बुनियाद पर शफाफ इंतखाबात नहीं हो सकते। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।